हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। दोस्तों आज की जो वीडियो है एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सबों के लिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक सिविल इंजीनियर की सक्सेस स्टोरी डिस्कस करने वाला हूं। एक सिविल इंजीनियर फ्रेशर था जिससे मैं आज से कुछ 5-6 महीने पहले मिला हूं। वो हमारे साथ मिले हैं क्रिकेट फील्ड में। वो माशाल्लाह बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। वो उसी टाइम पर विजिट वीज़ा पर आए हुए थे और उन्होंने क्या किया था दोस्तों, उनने बस अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है, उसके बाद उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था सिविल का। वो सीधा यहाँ आ गए थे और जिस टाइम वो आ गए उसके कुछ ही दिनों के बाद COVID-19 हुआ तो सारी फ्लाइट्स वगैरह बंद हो गई। तो उनने बहुत सारा स्ट्रगल किया यहाँ पे। जिस टाइम हम मिले उन दिनों वो बहुत मतलब टूट चुके थे अपने हिसाब से। वो कह रहे थे कि मैं वापस जा रहा हूँ, पर हम लोग ने उनको उस टाइम पर कहा कि भाई आप यहाँ पर रुकिए, थोड़ा टाइम ठीक हो जाएगा तो आपको जॉब मिल जाएगी। और अभी जब कुछ दिनों के बाद मैं उनसे फिर से मिला हूँ, 2-3 महीने बाद हम मिले हैं, तो उनके पास अभी एक अच्छी सी जॉब है और वो अच्छे से एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उनको सिविल इंजीनियर का वीज़ा भी लगा हुआ है। तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ उनकी सक्सेस स्टोरी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। आप लोगों को बताते हैं हम कि किस तरह से उनने स्ट्रगल किया और किस तरह उनको जॉब मिली, ताकि आप लोग को भी इंस्पिरेशन मिले और आप भी उनसे कुछ सीखें और अपनी जॉब के लिए उसी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें। तो दोस्तों ये है बिलाल जी, जिनसे हम कुछ टाइम पहले मिले थे और यही इन्हीं की बात मैं अभी आप लोग से कर रहा था। तो बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, कैसे आप? ठीक ठाक है। तो हमें आपसे कुछ जानना है कि आप किस तरह से विजिट वीज़ा पे यहाँ आए, COVID-19 का जो टाइम था आपने कैसे गुजारा और फिर कैसे आपने जॉब हासिल की, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। किस टाइम पे आप आए थे, कौन से महीने में आप आए थे? मैं पाकिस्तान से मार्च के महीने में आया था इधर, और इधर मैं जब विजिट वीज़ा पे आया था तो मेरा विजिट वीज़ा ख़त्म हो गया था, मुझे कोई जॉब नहीं मिल सकी। उसके बाद फिर आपको पता है COVID-19 आ गया, तो इसके क्राइसिस की वजह से मुल्क के हालात और ख़राब हो गए दुबई के। तो मैंने बड़ी ट्राई की मगर कहीं कुछ भी नहीं हो सका, तो मैं बड़ा उम्मीद हार गया था। लेकिन एंड में आखिरकार मैंने एक CV भेजी सेंड की कंपनी में, तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास और मैंने इंटरव्यू दिया और माशाल्लाह मेरा उधर काम हो गया। तकरीबन हम लोग जुलाई में मिले थे। हाँ तकरीबन हम जुलाई में हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, एक ग्राउंड था हमारे पास में वहाँ पे, मतलब पहले तो लॉकडाउन पूरा था, उसके बाद जब लॉकडाउन थोड़ा खुला तो एक ग्राउंड था हमारे पास में, तो वहाँ पे हम जाते थे खेलने। वहीं पे हमारी मुलाकात बिलाल से हुई, तो हमने इनसे बड़ी बातें की वहाँ पे। ये उस टाइम पे पूरा हार चुके थे, हमने इनको थोड़ा हौसला दिया कि भाई कुछ नहीं होता, अभी टाइम ख़राब है, थोड़ा टाइम अच्छा होने दो तो सब कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद आपको एक कंपनी से कॉल आया, आप इंटरव्यू के लिए गए? हाँ जी, मैं बिल्कुल इंटरव्यू के लिए गया। ADMC कंपनी का नाम था, तो मैं इंटरव्यू के लिए गया। माशाल्लाह मेरा अच्छा सा इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे ऑफर लेटर दिया। ऑफर लेटर कितना सैलरी आपकी, आप एग्जैक्ट नहीं बताइए, थोड़ा रेंज? मेरी फिजान भाई तकरीबन 4-5 के दरमियान में है, और ये फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है। 4-5 हज़ार मतलब इंडिया में 80,000 से 1,00,000 के बीच में है और पाकिस्तान में 1,60,000 से 2,00,000 के बीच में, तो बहुत अच्छी सैलरी होती है ये एक फ्रेशर के लिए जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो। तो अभी आपकी कौन सी शिफ्ट चल रही है, डे शिफ्ट चल रही है या नाइट शिफ्ट चल रही है, और कितने वर्किंग आवर्स हैं आपके? अभी तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें 2 शिफ्टें चल रही हैं, डे भी चल रही है नाइट भी चल रही है, क्योंकि हमने हमारा टाइम ज़्यादा हो गया इस प्रोजेक्ट को, हमने इसको फिनिशिंग करके ना, तो मेन कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर को हमने हैंड ओवर करना है। तो अभी आपकी कौन सी शिफ्ट चल रही है? अभी जो हमारी शिफ्ट चल रही है वो नाइट में हम काम कर रहे हैं। कितने बजे से कितने बजे की? हमारा 5 PM से लेके 3 AM तक जो हमारी 5 बजे शाम से 3 बजे सुबह तक आपकी टाइमिंग है। इसमें एक घंटा ब्रेक होती है दरमियान में खाने के लिए और कॉफ़ी के लिए। ओके, तो मतलब अभी सब कुछ आपका सही चल रहा है? हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अभी ये है कि अभी मैं आहिस्ता वीज़ा भी लग गया आपका? जी, वीज़ा भी सिविल इंजीनियर का लग गया। उसके बाद मैं आहिस्ता अपनी फील्ड के बारे में सीख रहा हूँ। माशाल्लाह ये 5-6 माह हो गए, मैंने बहुत कुछ सीखा और इंशाल्लाह आगे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और मेरे लिए अच्छा होता जाएगा। चलो ये है कि बस उम्मीद ना हारे और कोशिश करते रहें। दूसरे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे, जो फ्रेशर्स है सिविल इंजीनियर्स है जो इधर आते हैं या अपने वहाँ पे ही है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि क्या किया करें और किस तरह से अपने लिए एक अच्छी सिक्योर जॉब ढूंढें? उनके लिए बस मेरा एक ही मशवरा है कि भाई अपनी तालीम पे फोकस करें पहले, अपना टाइम ज़ाया ना करें। जैसे कि मैंने अपना टाइम बहुत ज़ाया किया पाकिस्तान में, लेकिन मैं इधर आया, मैंने इधर की सिचुएशन देखी, भाई इधर टाइम की बहुत कीमत है। जो टाइम है ये पैसा है इधर दुबई के अंदर, और टाइम को आपने सेव करना है तो पैसा आपने सेव करना है। बहुत
अकलमंद हो गए बिलाल भाई अभी तो। चलो ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप लोग भी, अगर आपको भी इधर आना है तो आप डरिए नहीं, आप आइए विजिट वीज़ा पे और यहाँ पे ट्राई करते रहिए, और हारना नहीं है हमको। मतलब अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है टाइमली, आप हारोगे नहीं, आप कोशिश करते रहोगे, इंशाल्लाह आप बिलाल भाई की तरह सक्सेसफुल हो जाओगे। और दोस्तों इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिए, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस बारे में हम और वीडियोस बनाएं, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक रेड वाला बटन है वहाँ पे बेल आइकन, उसको भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम अपनी नई कोई वीडियो बनाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।